हाय गाइस, कैसे आप सब। और अभी जस्ट लाइव आया था, पता है क्या हुआ? पता नहीं, ऑटोमेटिक यूट्यूब का एप्लीकेशन क्रैश हो गया, कुछ हुआ है, बैक हो गया, मतलब बैक हो गया था, फिर बैक हो गया था, फिर मैं रिटर्न आया हूँ, फिर रिटर्न लाइव आया तो जुबान यार लड़खड़ा रहा मेरा, एकदम लड़खड़ा रहा। एक सेकेंड हो गया, मेरा एप्लीकेशन ऑटोमेटिक क्रैश हो गया। और फिर जब मैं वापस आया ना लाइव, तो पता नहीं एक भी बंदा नहीं दिख रहा था। फिर मैं वो लाइव को पॉज करके मतलब डिलीट कर दिया, फिर अभी आया हूँ। और गाइस, अभी ड्राई डॉक पे काम चल रहा, जहाज पे, और हार्ड काम है, चिपिंग तो बहुत कर रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और बहुत कुछ काम है। आज हम लोग गए थे फ्रेश वाटर टैंक में, फ्रेश वाटर टैंक पूरा एकदम क्लीन, एकदम चकाचक कर दिया, और चिपिंग पेंडिंग है, ये सब का तो काम ड्राई डॉक पे आप लोगों को पता है चलता रहता है। और ड्राई डॉक का रूल्स आप लोगों को पता होगा, मतलब 2.5 साल अंतर अंदर ड्राई डॉक करना पड़ेगा, ये रूल्स है। और आप सब कैसे हो भाई? हैप्पी दिवाली आप लोगों को, कल दिवाली है। सेंटू भाईजान, हेलो भाई सेंटू भाईजान। और भाई, जो HTW कोर्स है ना, वो ऑनलाइन चल रहा है, मैं सुना हूँ। और मेरा दोस्त जो है अरपंटी के, वो बोल रहा था, मेरे को इसका कंफर्म पता नहीं, वो बोल रहा था कि नूसी का जो मतलब जो कॉलेज है वो स्टार्ट होगा दिसंबर या फिर जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर आपको एडमिशन होना है नूसी में तो आप जा सकते हो, एडमिशन हो सकते हो, कोर्स स्टार्ट हो जाएगा आप, कि बहुत टाइम वेस्ट हो गया आप करोना करोना का चक्कर में, चाइनीज़ वायरस के चक्कर में। हाँ भाई बढ़िया, सेंटू भाई बढ़िया हूँ भाई। बस यही सब है यार, काम फाम कर रहे हैं और मस्त सब कुछ चल रहा है एकदम। और क्या क्या कोर्स करना है आप लोगों को, HTW कोर्स कर लो या फिर GB रेटिंग करना है तो करो, बट वही बात आ जाती है, पहले जॉब पक्की करो। ठीक है, जॉब पहले देख लो भाई, जॉब कहाँ से मिलेगी आपको, कैसा होगा आपका ज्वाइनिंग, ये सब देख लो, फिर कोर्स करना। ठीक है, या फिर आप टग से स्टार्ट कर दो, आपका मतलब जर्नी टग से स्टार्ट कर सकते हो, फिर धीरे धीरे आपको बड़ी कंपनी ले लेगी। मेरा एक दोस्त, ठीक है, उसका पेरिस से ज्वाइनिंग हुआ, विपिन यादव उसका नाम है, यूपी से, वो देवरिया से है, और देवरिया जिला से है। कुछ दिन पहले, एक हफ्ता होगा लगभग, 10 दिन होगा, ज्वाइनिंग हुआ उसका पेरिस से, एंग्लो वेस्टर्न में उसका ज्वाइनिंग हुआ, और VLCC पे है वो, और $1200 सैलरी है। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोल रहा था, ठीक है, और ठीक ठाक है। पहले पता है क्या हुआ उसका सीन, मैं आप लोग को बताता हूँ। 4000 GIT ऑयल टैंकर पे सेल किया, फिर नेक्स्ट सेलिंग किया 28000 GIT पे, और अभी उसका एंग्लो पे हो गया। देखो भाई किस्मत, इसको तो तुम कौन सा भाई, कंपनी वगैरह सैलरी ये सब अभी मत पूछो, सैलरी उतना ज़्यादा नहीं है, और कंपनी बाद में बताऊँगा आप लोगों, कंपनी का नाम, सैलरी, ये सब बाद में बताऊंगा। अभी अगर आप लोगों को कोर्स करना है तो ऑनलाइन कोर्स हो रहा, मेरा दोस्त लोग बता रहा है, अब मुझे इसका कंफर्म पता नहीं। ठीक है, कॉलेज को डायरेक्ट कॉल करो और बात करो कॉलेज से कि क्या सीन है कोर्स का, कैसे होगा, कितना सर्विस चार्ज, मतलब सॉरी फीस कितना लगेगा, बात करो कॉलेज से, फिर जाके कोर्स करो। और कंपनी, छोटी कंपनी से भाई स्टार्ट करो, ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको बड़ी कंपनी ले लेगी एक्सपीरियंस के बाद। COP निकालो, फिर बड़ी कंपनी में जाओ, या फिर हाउसकीपिंग निकाल के बड़ी कंपनी में थोड़ा बहुत पैसा दो, हो जाएगा भाई। ऑयल रिग का पता है, मेरा ज्वाइनिंग होने वाला था ऑयल रिग में, मैं CMS में मतलब गया था, CMS का ऑफिस कारगर पे है, तो सर ने बताया मुझे कि ऑयल रिग में हो जाएगा, इतना इतना सर्विस चार्ज लगेगा, ये सब मैं वीडियो डाला हूँ ऑलरेडी, ठीक है, जाके देख सकते हो आप, वीडियो है। और ऑयल रिक्सी जॉब है, थोड़ा रिक्सी मतलब थोड़ा नहीं, रिक्सी है भाई, और पैसा भी है, रिक्स भी है। मेरा एक दोस्त यूपी का है, प्रिंस नाम का, वो काम कर रहा है अभी ऑयल रिग पे, उसको मतलब इंडियन रिग पे काम कर रहा है, और 17,000 उसका लगभग सैलरी है। इंडिया पे कम मिलता है, आप लोगों को पता है भाई, इंडिया पे सब में कम है, सैलरी बहुत कम है। अगर उसका भी 17,000 है ना, अगर वो अगर दुबई साइड या फिर कतर कुवैत साइड होता तो उसका 40,000 50,000 शायद होता।
मेरा तो यार 2-3 साल हुआ है, लगभग 2.5 साल लगभग हुआ, 2.5 साल। प्रीतम मंडल, हाँ भाई सब ठीक होगा, आराम से भाई जर्नी स्टार्ट करो यार, छोटी कंपनी से जाओ, कोई चक्कर नहीं भाई, धीरे धीरे सब लोग जा रहे हैं आराम से, मतलब बड़ी कंपनी ले लेगी बाद में, छोटी कंपनी देखो, पहले आप अगर सपोज एग्जांपल के लिए आपने 1,000 GRT या फिर 2,000 GRT पे सेल किया, ठीक है, नेक्स्ट सेलिंग अचीविंग के बाद आप कोई दूसरी कंपनी में जाओ, बोलो कि भाई जो कंपनी में जा रहे हो, दूसरी कंपनी में अगर आप पैसा देके जा रहे हो तो बोलो कि भाई मुझे 5,000 या फिर 10,000 GRT का ऊपर दो, तो आपको देगा 10,000 GRT का ऊपर। फिर तीसरी सेलिंग में आप 20-25,000 GRT का ऊपर जाओ, ऐसा ऐसा करोगे ना, फिर बाद में आपको फ्यूचर में ले लेगी भाई बड़ी कंपनी, ITF ले लेगी, यूँ उठा लेगी, आर्यन ऑफिशियल ऑफिशियल अकाउंट, हाय आर्यन अली, हाय आर्यन मुश्ताक अली, हाय भाई, यही सब सीन है यार, मुझे ने भी है भाई, एकदम एक नंबर भाई। मेरा भी क्या बोले यार आपको, अभी तो ड्राई डॉक पे हूँ यार, क्या बोलूँ मेरा बारे में, बाद में बताऊँगा ठीक है। और एजेंट से भाई बच के रहना बस, एजेंट लोग पूरा धंधा खोल के बैठा है एकदम। अरे भाई मच्छर भी है यार, परेशान करता है जहाज में भी। विकास यादव, यूनिफॉर्म का बारे में अगर पूछ रहे हो क्या, क्रू में यूनिफॉर्म होता है? हाँ भाई यूनिफॉर्म देखो, अब यूनिफॉर्म जो होता है ना अपना, पता नहीं किसका यूनिफॉर्म, मतलब तुम जहाज का अपना मर्चेंट लाइन का पूछ रहे हो या फिर अनफॉर्म लिख दिया यूनिफॉर्म या फिर अनफॉर्म क्या लिख रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा। मच्छरदानी है, अरे भाई भाई आप भाई GME कोर्स कर सकते हो, सेलर आयुष, या फिर आप इंजन साइड चूज कर लो, भाई क्या नाम है चौधरी, आपने पूछा कि कोस्टल में जो वाईफाई का सीन है, सैमसंग मेरी टाइम ठीक है, उस कंपनी में वो कंपनी का एड्रेस बाइकुल्ला में है, मुंबई बाइकुल्ला, और वो कंपनी मतलब वाईफाई देती है, मेरा दोस्त था फैजल नाम का, और वो टगबोट पे था, सैमसंग मेरी टाइम का टग पे था, और वाईफाई का मतलब पूरा एकदम फुल मिलता था वाईफाई सैमसंग का टैग पे, कुछ कुछ कंपनी देती है। बापी खान, हाय बापी कहाँ पे है भाई, एक सेकंड भाई, मैं वैसे ने भी मोटर बैंकर से ITI कर रहा हूँ, वसीम अकरम, हाय वसीम अकरम, भाभी मर गई भाई, चलो ठीक है भाई, ठीक है फिर कभी लाइव आते हैं, बाय, गुड नाइट।